तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 स्टार्ट हो गया है। पहले की तरह इसमें भी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर भरे हुए हैं और जिस तरह से बिग बॉस के हालात है ना, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ सीजन बाद तो सेलिब्रिटी का पत्ता कट हो जाएगा, खाली ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर ही मिलेंगे। और बिग बॉस को ये बात 100% समझ में आ चुकी है कि जितनी ज्यादा टीआरपी ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर दिलवाते हैं उतनी ज्यादा टीआरपी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी नहीं दिलवा सकते। अरे देवा। और जब भी बिग बॉस का कोई न्यू सीजन स्टार्ट होता है तो पूरे जनता के मन में एक ही बात रहती है कि इस बार कौन सा नया नमूना देखने को मिलेगा। तो पहले कंटेस्टेंट है अपने अरमान मलिक। जी हाँ, ये वही बंदा है जिसने 2 शादी कर रखी और इसी चक्कर में पूरे इंस्टाग्राम पर वायरल रहता है। हालांकि ये बंदा फनी वीडियो बनाता है, प्रैंक्स करता है, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी ने इसके साथ प्रैंक कर दिया। हालांकि बिग बॉस में देखो 2 कपल्स रहते हैं, अगर एक एलिमिनेट हो भी जाता था दूसरे के पास चांस रहता है जीतने का। इस बंदे के पास टोटली 3 चांस है और इस बंदे को देखने के बाद ऐसा फील आता है कि ये बंदा ऑलरेडी बहुत पहले से बिग बॉस की तैयारी कर रहा था और कुछ दिनों बाद ये बंदा तुमको बिग बॉस के साथ प्रैंक करता हुआ दिख जाएगा। और दूसरी कंटेस्टेंट अपनी बड़ा पाव वाली दीदी। हाँ, हालांकि वही है जिनको मैंने ऑलरेडी रोस्ट कर दिया था। अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट का और अथॉरिटी क्लेरिफाइंग का, तो दीदी सबसे आगे आती है। वो बात अलग है कि हाथ में आईफोन लेकर के फिर भी ये गरीब है। देखो भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी कि बिजनेस वुमन हर जगह स्टेट प्रेजेंटेशन करती है, लेकिन इसको बिग बॉस से अनुरोध है कि इसको किचन में ना घुसने दिया जाए, वरना वो वहाँ पे भी स्टॉल खोल के बैठ जाएगी। एंड बाय डिफॉल्ट अगर उसने स्टॉल खोल भी लिया तो अथॉरिटी के हिसाब से बिग बॉस उसे हटा देगा। तुम्हें क्या लगता है कि जब बिग बॉस इसके स्टॉल को हटाएगा तो ये मैडम बिना केस किए चुप बैठेगी? वैसे भी इनकी पुरानी आदत है फालतू के एलिगेशन लगाना, और जब इनका एलिगेशन गलत साबित होता तो ये चुपचाप स्कूटी पे बैठ के निकल लेती, लेकिन यहाँ पे तो ये भाग भी नहीं सकती है। आई होप कि दीदी यहाँ पे सारा सामान लेके आई हो, जस्ट लाइक अ हेयर बैंड, ग्लव्स एंड इसका विक्टिम कार्ड। ये विक्टिम कार्ड है जैसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। मुझे तो इस बात के लिए भी डर लग रहा है कि अगर अनिल कपूर ने से कुछ गलती से भी भूल दिया तो उस पर भी मानहानि का केस ठोक देगी। तो मुझे बचा लीजिए दोस्तों। बस इनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हर एक बात पर रिएक्ट करना छोड़ो और हर एक बात पे एलिगेशन लगाना भी छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। और अगले कंटेस्टेंट है अपने निजी भाई। इनको इनके बारे में नहीं पता, मैं ऑलरेडी बता दूं कि ये एक रैपर है जो कि बहुत खतरनाक रैप लिखते हैं और इन्होंने गली वाले रैप में भी काम किया है। और ये जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर इनका करियर का खात्मा होना ही होना। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर लाइफ में खात्मा ना हो तो परमात्मा से मिलन कैसे हो। पहले तो निजी और पाकिस्तानी रैपर में कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है और इतिहास में पहली बार इंडिया वालों ने पाकिस्तानी रैपर को सपोर्ट किया निजी को छोड़ के। और तूने उस लम मुझे धोखा दिया, तूने किया ये क्यों किया। What a song, baby song by Norvex, sound DJ Max. अगर निजी बिग बॉस की बातों से तंग आकर के डिप्रेशन में जाकर के कोई रैप सॉन्ग स्टार्ट कर देते तो बड़ा पाव वाली दीदी पक्का इस पे एलिगेशन लगाने वाली है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, अबे तू थोड़ा सा बहन का लो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है विशाल पांडे। इनकी भी तिगड़ी की जोड़ी है। अरे नीनी, मैं अरमान मलिक की बीवियों की बात नहीं कर रहा हूँ। इन तीनों ने सीएम साहब के साथ मिलकर भी एक वीडियो बनाया है ताकि टिकटॉक बैन होने के बाद जो इनका करियर डूब गया था वो थोड़ा पीक पे आ सके। विशाल भाई फनी, कॉमेडी, रोस्टिंग, इमोशनल सब में अपना करियर डूबा चुके हैं। इन्होंने यहाँ तक हर एक चीज ट्राई किया बट नेवर, कोई फायदा नहीं हुआ। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश। ये कुछ भी बनाए उनका कोई सेंस ही नहीं बनता। हर एक वीडियो में हमें खुद से एक सेंस बनाना पड़ता कि आखिर इस वीडियो में इसने दिखाया क्या था। ये अपने चैनल पे प्रैंक्स वीडियो भी बनाते थे, यहाँ तक कि कॉमेडी वीडियो बनाते थे, लेकिन ऑडियंस को तो हर एक चीज प्रैंक ही लगती थी इनकी। अभी कोई भी कॉमेडी वीडियो बना ले ऑडियंस इसको प्रैंक के नाम पे ही देखती है, शायद इसी वजह से इनका करियर चल नहीं पा रहा तो इनको बिग बॉस में बुला लिया गया। बाय डिफॉल्ट जो भी हो ये हमारे क्रिएटर है तो इनको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट है शिवानी और इसको मनीषा रानी का नाम दिया जा रहा है। डेली बेस पे ये एक ब्लॉगर है और ये हर जगह ब्लॉगिंग करने पहुंच जाते हैं। और इनका मेन पैशन है ब्लॉगिंग में एक्टिंग करके दिखाना, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती। अब कुछ दिनों बाद तो सौरभ जैसे भी पीछे हट जाएगा। और इसने बिग बॉस में एंट्री करते ही रोना धोना ड्रामा सब स्टार्ट कर दिया ताकि सारे ऑडियंस का ध्यान इसके ऊपर जाए। आते आते ब्लॉग कर रहे और अभी रो भी रहे हैं। बोलिए 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 क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सपना पूरा हो गया। एक बात का दुख है कि बेचारे यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाएगी, यहाँ पे कैमरा नहीं है ना, जो भी दिखाया जाएगा बिग बॉस के हिसाब से दिखाया जाएगा। लेकिन इनकी वीडियोस में एक बात तो माननी पड़ेगी, वही प्राइवेसी का मजाक, क्लिकबेट, थंबनेल और मैनिपुलेट करना, होना धोना एक्सेट्रा सब इसमें मिल जाएगा। और इनकी वीडियो में अगर टाइम दिखाना हो तो आईफोन का लॉक स्क्रीन दिखा दिया जाता है ताकि तुम्हें जलन तो हो। एक बात तो माननी पड़ेगी इसमें टैलेंट तो है कि ऑडियंस को मैनिपुलेट करके सारा वोट अपनी तरफ करवा लेगी। बड़ा पाव वाली दीदी को खतरा तो दिख रहा है इसमें। और हमारे अगले कंटेस्टेंट है रणवीर शौर्य। इनको देखने के बाद मुझे चांदनी चौक टू चाइना का वो फनी सीन याद आता है। मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी, मैं आपके कंबल में सोऊंगा। चलो हा? क्या कर रहे हो गुरुजी? कुछ नहीं कुछ नहीं,
दरवाजा बंद कर रहा था, तू चल मैं आ रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जो भी हो, इन्होंने भाई बिग बॉस में आते ही बोल दिया मैं आया हूँ लोगों का करियर बर्बाद करने। प्रिपरेशन डायरेक्टली अटैक। इन्होंने आते ही बोला कि लाइक कोई काम धंधा नहीं है और बिग बॉस में आते थोड़ा इमेज बढ़ जाएगी जिससे मेरा काम मिलने का चांस बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले इनको भूल गए। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रणबीर भाई टेंशन ही लेने का, अगर आपको कोई काम नहीं मिला ना तो बिंदास यूट्यूब चैनल खोल लेने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट मत करना, आप ऑलरेडी सभी चीजों को प्राइवेट रखते हो। जब से बिग बॉस में एंट्री करी तब से सब लोग इनसे डरे हुए हैं कि सबको यही लगता है कि सबका करियर खा जाएगा। बस गाइस जितने लोगों के बारे में मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, और भी लोग बचे हुए जिसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। जरूरी थोड़ी ना कि सबको सब इसी वीडियो में बता दूंगा, थोड़ा अगले पार्ट के लिए बचा के रखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।